कितना अच्छा होता है ना ये बचपन, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, बस खेलो कूदो और मस्ती करो। लेकिन हर बच्चा इतना भाग्यशाली नहीं होता। जब हमारा मोइन हुआ तो वो 4 महीने का था ना, उसका हमने ऑपरेशन मतलब करा। वो पहले मैं उसको बैठ भी नहीं सकता था, और जैसे छोटा बच्चा होता है वैसे 3 साल तक तो वैसे ही मैं उसको लेके घूमती थी, और कितने हॉस्पिटल भी गए, लेकिन डॉक्टर ने तो मना किया था कि ये बैठ चल भी नहीं पाएगा, और ये मतलब घर में पोटी बाथरूम कर सका, सोते सोते बैठ भी नहीं सकता था। मानसिक या शारीरिक विकलांगताओं के कारण इन्हें बहुत से चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। स्थिति और गंभीर हो जाती है जब ये गरीब अनपढ़ घरों से होते हैं। विकलांगता के बारे में अनेक भ्रांतियों के कारण ये समाज द्वारा उपेक्षित हो जाते हैं, और अक्सर तो परिवार द्वारा भी। यह तो प्रमाणित हो चुका है कि सही वातावरण और प्रशिक्षण के साथ ये बच्चे परिवार के ऊपर बोझ ना बनकर काफी हद तक इंडिपेंडेंट जीवन जी सकते हैं, लेकिन ये जल्दी होना चाहिए। यह काम व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। पर भारत की विशाल जनसंख्या के कारण सरकार सभी को यह सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकती है। अतः संकल्प जैसे एनजीओ के लिए इस कमी को पूरा करना जरूरी हो जाता है। हमने हमारे बेटे को संकल्प स्कूल में एडमिशन करवाया। उसके बाद पहले तो बैठता ही था, लेकिन स्कूल में जाने के बाद मेरा बेटा चलने लगा, धीरे धीरे लिखने लगा, नहीं तो इससे हाथ से खाना भी नहीं खा सकता था। उसके बजाय अभी वो अपने हाथ से खाना भी खा लेता है, अपने हाथ से नहा लेता है, कपड़े पहनता है, चलना फिरना सब कुछ, वरना ये पहले इस तरह का था ही नहीं। स्कूल में जाने के बाद मेरे बेटे को बहुत ही अच्छा हो गया, मतलब वो स्कूल में जाने, नहीं तो मुझे खुद को यकीन नहीं था कि मेरा बेटा चलेगा। इनकी ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन के लिए क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। सुविधा वंचित समाज से होने के कारण इन्हें ये सुविधाएं मुफ्त में देनी पड़ती हैं। संकल्प इन बच्चों के लिए आशा की एक किरण है। आज सपने जो मन में बसे हैं साकार उनको है करना, ये संकल्प है हमारा, अब तो आगे ही हमको है बढ़ना, यही आशाएं मन में संजो कर हाथ थामा है हमने तुम्हारा, ऐसी शक्ति मिले हमको तुमसे जिससे बेहतर बने कल हमारा, जिंदगी देने वाले ओ दाता अपनी बाहों का दे दो सहारा, ऐसी शक्ति मिले हमको तुमसे जिससे बेहतर बने कल हमारा। तो क्यों ना आप भी इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए संकल्प के साथ जुड़ जाएं।